दोस्त एक सवाल तो आपके भी मन में हमेशा रहता होगा कि जो टॉपर स्टूडेंट है या जो बेहतर मार्क्स लाते हैं वो कितने घंटे पढ़ाई करते होंगे। तो अगर ऐसा सवाल आपके भी मन में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब हम टॉपर की एनालिसिस कर रहे थे कि ये कितने घंटे पढ़ाई करते हैं तो कुछ टॉपर्स ने 16 से 18 घंटे बताए, कुछ ने 12 से 14 घंटे बताए, कुछ 8 से 10 घंटे बताए और कुछ ने 6 से 8 घंटे बताए। मतलब कि हर स्टूडेंट का ओपिनियन अलग अलग था। तो एक सवाल यहाँ आता है कि हम किसको बेहतर माने। तो देखिए यहाँ एक बात तो क्लियर है, घंटे मैटर नहीं करते, मैटर आपके पढ़ाई की क्वालिटी करती है। क्योंकि यहाँ टॉप सबने किया है तो लगभग लगभग पढ़ाई सबने बराबर किया होगा, लेकिन पढ़ाई में लगाए गए समय में बहुत डिफरेंस है। ये कैसे हुआ? आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि आपने पूरे दिन किताब के पास बैठे हैं और 8 से 10 घंटे पढ़ाई में भी समय लगाए हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि 3 से 4 घंटे की भी पढ़ाई सही से नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपका 5 से 6 घंटे तो किसी तरह बर्बाद हुआ। और वही दूसरा बंदा सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता है लेकिन आपके 10 घंटे पढ़ाई के बराबर कर लेता है। दोस्त इसका भी एक कारण है, अगर हम ज्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ हम पढ़ाई करते हैं, क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे माइंड का एनर्जी और फोकस समय के साथ धीरे धीरे लो होते जाता है। तो इसलिए कम पढ़ाई करें लेकिन क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई करें, फोकस के साथ पढ़ाई करें। और जो दूसरा कारण है जिसके वजह से पढ़ाई में एक दूसरे से डिफरेंट समय लगता है वो है समझ। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाता है और सेम क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को 2 से 3 बार में समझ में आता है। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बार बार कई बार कोशिश के बाद भी क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं भी आता है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन को समझने के लिए तीनों टाइप के स्टूडेंट के लिए अलग अलग समय लग रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टॉपर बनने के लिए 14 से 18 घंटे पढ़ना जरूरी ही है या सिर्फ 6 से 8 घंटे पढ़कर ही टॉपर बना जा सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का माइंड और फोकस अलग अलग होता है। पर एक बात तो क्लियर है कि मेहनत कुछ भी करा सकता है, चाहे वो बंदा कैसा भी हो। तो दोस्त ये तो रही टॉपर की बात, अब हम बात करते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, घंटे काउंट तभी होंगे जब फुल फोकस के साथ पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घंटे तो गिना रहे हैं लेकिन क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर दोस्त आप स्कूल में 5 से 6 घंटे ईमानदारी से गुजार रहे हैं तो आपको घर पर 3 से 4 घंटे पढ़ना बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट स्कूल में पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाई नहीं करते, तो ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको घर पर ज्यादा समय देना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में 3 से 4 घंटे गुजार रहे हैं तो घर पर 4 से 5 घंटे पढ़ना पर्याप्त रहेगा। लेकिन अगर वही आप घर पर रहकर तैयारी करते हैं तो डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। पहले दोनों सिचुएशन में 9 से 10 घंटे इसलिए लिए गए हैं क्योंकि स्कूल या कॉलेज में शांत माहौल की कमी रहती है, लेकिन घर पर शांत माहौल की कमी नहीं रहती है। तो इसलिए अगर आप पूरे साल 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्त अगर आपको स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता है तो आप दो बातों को ध्यान में रखिएगा, आपको क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, और उसी टॉपिक को फिर घर पर दोबारा आकर पढ़िए और समझिए। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा में पढ़ाए गए चैप्टर के अगले पेज को भी पढ़ना है ताकि नेक्स्ट डे क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो दोस्त आपका सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए, स्कूल या कॉलेज में ध्यान से पढ़ाई करना है, उसी चीज को आकर फिर दोबारा घर पर पढ़ना है और एक्स्ट्रा में नेक्स्ट डे के लिए भी पढ़ना है। आप सेल्फ स्टडी इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आप बेहतर मार्क्स ले पाएंगे। एक बात तो आपके मन में कभी से खटक रहा होगा कि टॉपर तो 16 से 18 घंटे ही पढ़ते होंगे, इससे कम कोई नहीं पढ़ता होगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। अगर 16 से 18 घंटे की बात आती है तो वो भी एग्जाम के सिर्फ 1 से 2 महीने पहले की हो सकती है, और एग्जाम टाइम में हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी ही चाहिए। अब वो आपके क्षमता के ऊपर हो सकता है कि आप पर डे कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बात पूरे साल की करें तो पूरे साल 16 से 18 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है उसे याद भी रखना है, और पढ़े हुए टॉपिक को याद रखना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगला वीडियो इसी टॉपिक पर आएगी कि पढ़े हुए मटेरियल को हम कैसे याद रखें। तो दोस्त लास्ट में एक बात यहाँ फिर से दोहराना चाहूँगा,
दोस्त पढ़ाई पूरे साल रेगुलर होनी चाहिए और सभी टॉपर में जो कॉमन है और सीक्रेट भी वो है कंसिस्टेंसी। आप निरंतरता कायम रखिए, ये लाजवाब है और बेमिसाल भी। इसका कोई जवाब नहीं है और ना ही कोई विकल्प है। अगर आप निरंतरता कायम रखते हैं तो चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्त इसमें बताई गई बातों को फॉलो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कैसा लगा दोस्त वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।